मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। बहुत सारी लेडीजें सेलर से परेशान है, क्रंचर से परेशान है, छोड़ना चाहती है ये क्ले आइटम, ये ईट पत्थर मिट्टी छोड़ना चाहती है, लेकिन छोड़ नहीं पा रही है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है लड़कियों की, और जो भी न्यू चैनल बना रही हैं उनको कोई भी फायदा नहीं है, उनको ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गलत चीज़ है खाना और गलत चीज़ है दूसरों को खाकर दिखाना। ये खाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई जाती है। आप लोगों ने इसको खा के जो दूसरों को क्रेविंग दे रहे हैं, वो एक तरह से आप नशे की क्रेविंग दे रहे हैं। तो ये खाना आज से छोड़ दो, इस तरह की वीडियो बनाना छोड़ दो, क्योंकि ये नहीं मिलने वाला। अगर आप इनकी खाने की वीडियो बनाते हो तो क्रंच या स्वेलो की जो भी है ये नहीं मिलेगा, और आपका शरीर और ख़राब हो जाएगा। आप वीडियो चलाने के चक्कर में, चैनल चलाने के चक्कर में, और ये कमाने के चक्कर में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्ले आप लोग मंगा रहे हो और वीडियो बना रहे हो। स्लेट आइटम जो हम एक स्लेटी के नाम से जानते थे, आज की डेट में इसके बड़े बड़े स्टोन, बड़े बड़े पत्थर स्लेट आइटम के इतने बड़े बड़े सेल हो रहे हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे ये मिलने लग गई है, समझ रहे हो? जो क्रंचस है ना, उनसे ज़्यादा बदमाश है सेलर, सेलर इसको बेचने के लिए, ठीक है? फ्लिपकार्ट और ये ऑनलाइन तो वो सेल करती है, और भी जो ये इस तरह की जो क्ले सेल करते हैं ना ऑनलाइन, उनसे कॉन्टैक्ट कर करके अपना मटेरियल सेल कर रही हैं, और जितनी भी सेलर है सब फैक्ट्री से माल उठा रही हैं। तो आप लोगों से मेरी दिल से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये ईंट पत्थर मंगवाना छोड़ दो, छोड़ दो। अपने घर का पैसा वहाँ पर मत दो, सेलर की पॉकेट में मत दो। सेलर क्रंचस से भी ज़्यादा बदमाश है, साइको है। सारी सेलर मीठी मीठी बातें करके, इनकी वीडियो दिखा दिखा के, स्लेट आइटम की शेप दिखा दिखा के, बार बार उनके क्रम्बल्स दिखा दिखा के, और बार बार बोल बोल के कि आपके टीथ सेंसिटिव है तो आप क्रम्बल यूज कीजिए, ये सॉफ्ट वाला है, ये हार्ड वाला है, ये सब आप लोगों के दिमाग में गलत चीजें घुसा रही हैं, जिससे कि आप लोग इनसे क्ले खरीदो। ये पैसों के लिए ये सब कर रही है, ये स्वीट पॉइजन सेल कर रही है सिर्फ इस चीज के लिए। तो मेरे को बहुत सारी लेडीज़ें बोलती हैं कि आप भी तो ये कमा रहे हो, तो भाई किसी की जान बचा के अगर पैसे कमाना चाहते हो तो कमाओ, डेली कमाओ, रोज़ कमाओ। किसी घर की बेटी को इस जहर से बचा के निकालना चाहते हो तो पैसे कमाओ, जरूर कमाओ, और इन पैसों से ऊपर वाला भी खुश रहेगा कि तुम किसी की जान बचा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो वो पैसा अगर आप अपनी फैमिली में लगाते हो, अपने घर में लगाते हो, तो बरकत होती है उस पैसों की। और अगर मैं आप लोगों को ये खाना सिखाती हूँ, और मैं खा के बार बार बोलती हूँ बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, बहुत क्रंची है, बहुत अर्दी है, और आप लोग मंगवा सकते हो, मैं इसमें ऑफर रख दूँ, हैं, तो ये मैं गलत काम कर रही हूँ। मैं दूसरे घर की बहू बेटियाँ जो भी लड़कियाँ हैं उनको मैं साइको बना रही हूँ। ईंट पत्थर खाने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई जाती, और एक स्लेट पेंसिल भी जहर का काम करती है। स्लेट पेंसिल देखने में सिंपल सी, सोबर सी लगती है, लेकिन ये भी एक तरह से जहर का काम करती है। तो 10 रुपये का स्लेट पेंसिल का बॉक्स आता है, वो भी 10 रुपए वाली जो स्लेट पेंसिल है वो 1 लाख रुपए वाली बीमारी लगा सकती है। पहले भी लेडीजें क्ले खाती थी गाँव की, लेकिन उस क्ले में और इस क्ले में दुनिया भर का अंतर है। पहले हमारे शरीर में अच्छी अच्छी ताकत वाली चीजें जाती थी, हम लोग घी दूध अच्छे फ्रूट्स खाते थे। आज की डेट में ना असली घी है, ना असली दूध है, ना असली अनाज है, मतलब गेहूं है, सब डुप्लीकेट है, सब पे पॉलिश वगैरह करके अनाज वनाज सब, मतलब हम हर चीज लोकल खा रहे हैं, आर्टिफिशियल चीजें खा रहे हैं, ओरिजिनल कुछ भी नहीं खा रहे। तो हमारा शरीर कैसे मजबूत बनेगा, पहले तो आप मुझे बताओ। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, 10 रुपए की स्लेट पेंसिल 10 रुपए में मिलती है, लेकिन वो 1 लाख रुपए की बीमारियां लगा सकती है। 1 लाख रुपए की बीमारियां मतलब जो स्लेट पेंसिल से आप खाकर बीमार हो गए हॉस्पिटल में। देखो आजकल हॉस्पिटलों में आप कोई भी इलाज कराने, ट्रीटमेंट कराने जाओ,
40-50 हज़ार रुपये लग जाता है। टेस्ट कराओ, एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, करते करते डॉक्टर की फीस दो, फिर उनकी मेडिसिन खाओ, फिर हर महीने हर 15 दिन में वो मेडिसिन चेंज होती है। मतलब इनका जो प्रोसेस है वो बहुत ही लॉन्ग है भैया। आज की डेट में मैं साफ साफ बोल रही हूँ, जो भी 10 रुपये वाली स्लेट पेंसिल भी खाती है, 12 पीस उसमें निकलते हैं, तो 10 रुपये के चक्कर में, 10 रुपये के क्रंच में, 10 रुपये के सेटिस्फेक्शन में 1 लाख रुपये आपके लग सकते हैं जब ये अपना कमाल दिखाएगी। एक स्लेट पेंसिल 1000 बीमारियां लगाएंगी। ये मेरी बात नोट कर लो, क्योंकि आजकल हमारे पुराने जो हमारे मम्मी वाले शरीर थे, सॉलिड मजबूत, घी दूध अच्छी चीज़ें उन्होंने खाई है, वो हमें नहीं मिलता। हम वैसे ही कमज़ोर हैं, हम अपने मम्मी दादी जैसा काम नहीं कर सकते। हमारी कमर में पेन है, हमारे घुटनों में पेन है। अगर हम थोड़ा सा भी घर का काम कर लेते तो हमारे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। 2-4 गेस्ट घर में आ जाते हैं, उनके लिए खाना बना दिया तो हम थक जाते हैं। ये हमारी बॉडी का हाल है, ये हमारे शरीर का हाल है। हमसे वो काम नहीं होता जो हमारी मम्मी पापा कर लेते थे। तो आजकल एक बर्थडे करने में हम 10-12 लोगों को बुलाते हैं तो उसमें भी हमारी हालत खराब हो जाती है। और पहले के जमाने में तो 10-12 बच्चे खुद के ही एक लेडीज के होते थे और सारा दिन वो घर में काम करती थी अपने बच्चों के लिए, फिर भी सॉलिड और मजबूत रहती थी और अच्छा जीवन जी के ही ऊपर जाती थी, अच्छी एज अपनी बिता के जाती थी, क्योंकि उसने अपने शरीर को खा पी के मजबूत बनाया हुआ था, चूल्हे पे काम करती थी। हम तो गैस पे खड़े होके भी थक जाते हैं, हमारे से काम ही नहीं होता। 10-12 लोगों को बर्थडे पे बुलाना होता तो मार्केट से खाना मंगाया जाता, हमारे से नहीं बनता। अगर गलती से हिम्मत करके किसी की हेल्प लेके बना भी दिया, 2 दिन तक ये शरीर हमारा बर्बाद है और हम बिस्तर पे ही लेट जाएंगे। तो वही 10 रुपये की स्लेट पेंसिल आपके इस शरीर को कमज़ोर, खोखला, बीमारियों से भर देगी, जिंदगी आपकी बर्बाद कर देगी। हल्के में मत लो स्लेट पेंसिल को, मैं बार बार बता रही हूँ, हल्के में इसको मत लेना। ये स्वीट पॉइजन है और स्वीट पॉइजन का काम करती है। वैसे ही आप लोगों ने अपने शरीर को कमज़ोर कर दिया। जो ईंट पत्थर मिट्टी नहीं खाती वो भी थोड़ा सा काम करती है, उनको भी थकान होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर का ख्याल नहीं करते। 24 घंटे हम लोग फ्रूट्स, मिल्क और ड्राई फ्रूट्स हर टाइम नहीं खाते, कभी कभी हम खाते हैं। डेली रूटीन में बहुत कम लेडीज होगी जो अपने शरीर का ख्याल रखती है, ठीक है। तो आजकल अनमैरिड लड़कियां, उनको भी कभी घुटनों में प्रॉब्लम है, कभी उनकी बैक पेन, कमर में पेन है, उनके भी कभी सर में अचानक बीपी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कभी सर में पेन हो रहा है, तो जो नहीं खाती उनको भी प्रॉब्लम है। और तुम तो ये सब खा के इनकी वीडियो देख के अपने शरीर को वीक कर रहे हो, तो इसको डियर आज से बाय बाय कर दो, नहीं तो क्ले आइटम, स्लेट आइटम एक दिन आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगी और आपको ये बाय बाय कर देगी, यानी आपको ऊपर भेज सकती है। इसमें इतनी ताकत है, ये देखने में अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आजकल सेलर इतने प्यार से इनकी वीडियो दिखाते हैं, पैकिंग की, इनकी क्लीनिंग की, आप लोगों को साइको बना दिया है। तो इसलिए ये मिट्टी का मंच ख़त्म होए ना होए, लेकिन आप अपने मंच को स्ट्रोंग बनाइए, अपने दिमाग को स्ट्रोंग बनाइए। क्यों क्यों भाई, क्यों क्यों इसके सामने पिघल रहे हो? क्यों इनकी वीडियो देखे अपने शरीर को क्या डस्टबिन बना रखा है कि कूड़ा करकट हर चीज़ डाल दो, ये कुछ भी डाले हैं, ये ईंट पत्थर मिट्टी खाए और इन्होंने बोल दिया बहुत अच्छे, तो आपने क्यों ट्राई किया? आप अपने शरीर के मालिक हो, अपने शरीर में बिना किसी के जाने पहचाने से क्यों ईंट पत्थर भर रहे हो? इस पेट को क्यों डस्टबिन बना रहे हो? क्यों बीमारियों से इसको बर्बाद कर रहे हो? कहाँ से लाओगे इतना पैसा? कहाँ से लाओगे? क्यों अपने शरीर को, अपनी फैमिली को बर्बाद कर रहे हो सिर्फ ये मिट्टी पत्थर से? देखो, आप लोग इनकी वीडियो देखते हो, आप लोग इनसे खरीदते हो, आप लोग इनकी खाने की वीडियो में इंटरेस्ट लेते हो, तो इनके धंधे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो? आज की डेट में हर लेडीज़ मिट्टी सेल करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनकी काफ़ी अच्छी इनकम हो रही है और काफ़ी अच्छा उनका चैनल चलता है। हर लेडीज़ आज की डेट में जो खाती नहीं है, खाने से उनके चैनल नहीं चले, खाने से ये सब नहीं मिला, तो वो क्लीनिंग की वीडियो बना रही है, लेकिन मिट्टी पत्थर का पीछा नहीं छोड़ी। भाई एक बात आओ, मैं लौकी साफ करते हुए या आलू की वीडियो डाल दूं, आप लोग नहीं देखोगे? एक मैं मिट्टी या स्लेट आइटम लेके मैं इसकी क्लीनिंग की वीडियो करूंगी तो आप पागलों की तरह देखोगे। क्यों? क्योंकि नशेड़ी हो आप। मैं नहीं देखती किसी की क्लीनिंग वीडियो, क्या देखूं? पत्थर को धो लिए, छील लिए, क्या देखूं उसको बताओ, क्या देखूं? वो तो अपना घर का काम छोड़ के ये कमाने में लगी है। तुम क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या मिला देखने से, मुझे ये बताओ, हैं?
क्यों देखते हो? और जितनी भी सेलर है रोज आ रही है नई नई सेलर, क्योंकि मिट्टी सेल करने से बहुत ज्यादा इनकम हो रही है। मिट्टी क्ले आइटम स्लेट आइटम इतना कॉस्टली नहीं है, ये 70-70 किलो फैक्ट्रियों से ट्रक भर के डब्बे भर भर के हमारे घर में अनाज चावल चीनी उनके डब्बे होते थे, जो आजकल ये मिट्टी पत्थर भर के अपने घर में रखती हैं सजा सजा के कनस्तर हमारे यहाँ सरसों का तेल आता था, हमारी मम्मी चावल वावल पता नहीं क्या क्या डाल के रखती थी स्टॉक में। यहाँ मिट्टी आइटम स्लेट आइटम हर लेडीज रखना चाहती है, उनकी इनकम हो रही है और इनकम करो, हमें कोई टेंशन नहीं है भाई, इनकम करो मेहनत करो। लेकिन गलत तरीके से आप लोग पैसा कमा रहे हो, गलत तरीके का पैसा आप लोगों की फैमिली में गलत जगह ही लगेगा। आज मिट्टी पत्थर बेच के आप खुश हो रहे हो कि हमें बहुत इनकम कर ली ये मिट्टी सेल करके, लेकिन टोटल पैसा किसी को मारने वाला जो पैसा आप कमा रहे हो वो टोटल पैसा आपकी फैमिली में गलत जगह लगेगा। एक दिन सारी सेलर पछताएंगी जब उनके घर में ऐसी बुरी दुर्दशा होगी इस मिट्टी पत्थर बेच के जो वो इंजॉय कर रही है ना, बहुत बुरी उनकी दुर्दशा होगी, वो गलत तरीके से पैसा कमा रही है। ब्रेन वॉश करके एक मिट्टी जो जहर का काम करती है वो ब्रेन वॉश करके सबको सेल कर रही है, तो सारा पैसा सारी सेलर के घर में इतनी प्रॉब्लम्स होगी सारी सेलर एक दिन पछताएगी कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ये धंधा नहीं करना चाहिए था। इतने भी पैसों के अंधे मत बनो, किसी की घर की बेटियों को बर्बाद मत करो। जितनी भी सेलर है कोई सेलर सुखी नहीं रहेगी आने वाले कल में। सेलर जितना पैसा कमा रही है उससे कई लाख गुना वो पैसा उनके घर में से किस तरह से निकलेगा देखना। तड़फेंगी सारी सेलर, उनके बच्चों में उनके हस्बैंड में उनके घर में इतनी बुरी दुर्दशा होगी। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस माँ की बेटी को इन्होंने बर्बाद कर दिया, किस माँ की बेटी को इन्होंने साइको बना दिया, किस माँ की बेटी ने चोरी से इसको खाना सीख लिया। करंचस तो है ही बदमाश, इससे चार गुना बदमाश है सेलर। यंग बच्चों को साइको बना रही है, एक मिट्टी पत्थर खाना सिखाती है करंचस, और ये सेलर बन के उनको बताते हैं कि हमारे से खरीद लो, मैं ऑफर दे रही हूँ। ऑफर होता है लालच देना, लालच दे रही है। तो ये स्लेट पेंसिल नहीं है डियर, ये मेरा स्टोन है, ब्लैक स्टोन कोटा स्टोन का, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो सेलर जितनी भी है सेलर से पीछे हट जाओ चार कदम, सेलर की वीडियो देखते ही तुरंत उसको हटा दो अपनी वीडियो से, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी, समझ रहे? नॉट इंटरेस्टेड कर दो कि ये वीडियो दोबारा मुझे दिखनी नहीं चाहिए। सेलर की वीडियो, सेलर अपने घर के लिए बहुत पैसा इकट्ठा कर रही है लेकिन सारा उनका गलत जगह ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के घर की बेटियों को बर्बाद कर रही है। तो प्लीज़ इस 10 रुपये की स्लेट पेंसिल से भी बच के रहो, ये 10 रुपये की स्लेट पेंसिल भी आपको लाखों की बीमारियां लाखों का पैसा लगवा देगी आपके घर का। और मेरी बात आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है। कुछ लेडीजें मेरे को नेगेटिव कमेंट्स देती थी, मेरे ऊपर गलत हमला करती थी, लेकिन मेरे पास मैसेज आया कि दीदी हम आपको गलत समझते थे लेकिन आप बिल्कुल राइट हो और सबसे अच्छी और समझदार दीदी हो हमारी। हम सोचते थे कि आप ये सब कमाने के लिए आप इस तरह की वीडियो बनाते हैं, लेकिन अब हम समझ गए कि आप जान बचाना चाहते हो। पहले हमें लगता था आप ये ईंट पत्थर मिट्टी ले लेके बैठ जाते हो, ठीक है दिवाली का टाइम आ रहा है, अब आप लोगों को क्ले के दीपक की वैल्यू समझ में आई। ये दीपक है, ये रोशनी देता है हमारे अंधकार जीवन में, हमारे अंधकार घर में, है ना, रोशनी का काम करता है ये दीपक। जब भगवान के सामने जलता है तो इसमें इतनी शक्तियाँ पैदा होती है, लेकिन हम मूर्ख लेडीज़ें इसको खरीद रही हैं ऑनलाइन इतना कॉस्टली। क्यों? क्योंकि ये ग्रिटी नहीं होता ऑनलाइन वाला, और ये खाने के लिए सेल होता है। ऑनलाइन जो भी खरीदती है वो सिर्फ खाने के लिए इसको खरीद रही है। मार्केट में जो हमारे जैसे लोग लेके आते हैं ना ग्रिटी आइटम, वो पूजा के लिए लेके आते हैं। तो लेडीज़ों ने तो मिट्टी का दीपक भी नहीं छोड़ा, जो हर लेडीज़ के घर में पूजा के सामने ये जलता है। और सेलर इतनी बदमाश है, उन्हें पता है कि हम ये सेल कर रहे हैं और ये खाने के लिए हम सेल कर रहे हैं। कोई भी सेलर ये नहीं बोलते कि ये पूजा के लिए आए हैं तो पूजा के लिए ले लो, नहीं,
ठीक है, छोटी सी वीडियो है आप लोगों के लिए, वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। और भाई जिनके मैसेज नहीं दे पाई, बस मैं कल कल और बिजी हूँ, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग दीदी की बात मानना, मेरे को नाराज़ नहीं करना है। रोज़ जो स्वेलो करती है उनको क्रंच करने पे आना है, और जो क्रंच करती है उनको हम एक दिन ये मिट्टी खाना छुड़वाएंगे, और मैं आपके सारे मैसेज का जवाब दूंगी, और मैं सबकी मिट्टी खाना धीरे धीरे छुड़वाऊंगी। ये साइको बनाते हैं, मैं आपको साइको बनने नहीं दूंगी। ये मिट्टी खाना सिखाते हैं, मैं आप लोगों को मिट्टी खाने नहीं दूंगी। ट्रस्ट करो मेरे पे, ठीक है। आप लोगों ने बचपन से या पेट से मिट्टी खाना नहीं सीखा, इन लोगों ने आपका ब्रेन वॉश करके आप लोगों को मिट्टी क्ले आइटम खाना सिखाया है। मैं आप लोगों का ब्रेन वॉश करके आप लोगों से मिट्टी खाना छुड़वाऊंगी, और मैं छुड़वा के रहूंगी। बस मुझे कल का टाइम और दीजिए, कल और मैं बिजी हूँ, मैं अपनी राधा रानी जी के दर्शन करना चाहती हूँ, तो मैं बरसाना जा रही हूँ और वहाँ पे कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो बाय बाय, गुड नाइट गाइज़।